हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज एक अपडेट हुआ है, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन करने की तिथि बढ़ा है। जो स्टूडेंट्स 2021 में मैट्रिक पास किए हैं उनका 2021 से 22 सेशन है, ओके, तो वो आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ओके। तो आइए हम लोग लाइव प्रूफ के साथ देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम आपको देख के बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक हियर। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए, हम यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ओके। ये ओरिजिनल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 2019 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 ओनली। लेकिन यहाँ पे 19, 20 और 20, 21 का बंद कर दिया गया है और 2021 से 22 के लिए अभी तक ओपन है, ओके। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पोर्टल हमारा ओपन हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, वी वेयर ऑफ द ड्यूबियस पोर्टल्स, ओके। आप लोग को डुप्लीकेट पोर्टल से बच के रहना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 से 20 और 20 से 21 रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट विल क्लोज ऑन 15/11/2021, यानी कि 15 नवंबर तक ही 2019 से 20 सेशन के लिए और 2020 से 21 सेशन के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो 2021 में ध्यान देंगे, जो 2021 में मैट्रिक या इंटर पास किए हैं उनका सेशन 2021 से 2022 है मैट्रिक या इंटर, तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अब 31/12/2021 तक। यानी कि पूरा आपको अभी एक मंथ टाइम है, 31 दिसंबर तक टाइम है। आप लोग समझ रहे होंगे, डेट तो यहाँ पे बढ़ चुका है। अब देखिए अनिवार्य क्या क्या है, बैंक खाता विद्यार्थी का नाम होना अनिवार्य है, संयुक्त खाता भी नहीं मान्य होगा अन्यथा आपको पैसा नहीं भेजा जाएगा। और यहाँ पे और भी कुछ दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और जहाँ पे आपको अप्लाई करना है आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, SC ST हैं तो यहाँ करेंगे, BC BC हैं तो यहाँ पर करेंगे, ओके। क्लिक करके भी दिखा देते हैं, सही में ओपन हो गया है। आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्टेप वेरिफिकेशन है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे करके आप लोग सब कुछ टिक करके सबमिट भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए सभी काम कर रहा है, ये सब कुछ भरने का रहता है, ये सब आप लोग भर के कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल 2021 ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो सबसे पहले आपको 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, ओके, या फिर आप इंटर में है तो इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा मार्कशीट का। फिर दूसरा है डोमिसियल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ओके। आगे की बात करें तो आगे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय, ठीक है, अपने फादर का आय लगेगा आपको। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपका होगा, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो कि आपको प्रिंसिपल सर के द्वारा प्रदान किया जाएगा, और सिग्नेचर और मोहर लगवा के आपको लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे लगेगा फिर रिसिप्ट फॉर इंस्टीट्यूशन, आप लोग का जो स्कूल या कॉलेज है वहाँ से आपको फिर रिसिप्ट भी लगेगा। और यहाँ पे है लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, आपने जो लास्ट एग्जाम पास किया है मैट्रिक या इंटर, अगर 2021 में पास किए हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 2021 से 2022 सेशन है 11 का, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर और कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। और साथ ही एक फ़ोटो भी आपको लगने वाला है, ओके। और साइबर कैफ़े के पास जाइएगा तो 100 रुपया तो ऑनलाइन करने में लगेगा ही, मोबाइल फ़ोन से हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। तो
फिर प्रिंट भी निकलवाने का रहेगा और ये सभी का फ़ोटो कॉपी जितना बताएं सभी का फ़ोटो कॉपी करवा के और जो आप लोग ऑनलाइन करवाए हैं उसका फ़ोटो कॉपी आपको जाके प्रिंसिपल सर के पास जमा कर देना है, क्योंकि इससे वेरिफिकेशन होता है बाद में, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो बिहार राज्य से होना चाहिए और आपका पर्सनल होना चाहिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये रियल न्यूज़ है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग। और जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, किसी तरह से पीछे छूट गए हैं, तो वो आप लोग आवेदन करवा सकते हैं। ओके, थैंक्स।